देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मंथ फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ हम साइबर जागरूकता दिवस क्रिएट करते हैं बनाते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अवेयरनेस हो। जो हमारी 1930 हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से आप सिरसा की जनता को बताएं कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है उस पर तुरंत कॉल कीजिए। जो भी डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है जिससे ये साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है वो हमसे शेयर करेंगे, उन पहलुओं पे हम सबको जागरूक करेंगे, और जो मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन अक्यूज को हम गिरफ्तार करें। देखिए कि तीन डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सिरसा ज़िले के साथ पंजाब के लगते हैं और हनुमानगढ़ राजस्थान का लगता है, तो इसके जो बॉर्डरिंग थानेज हैं उनके साथ मीटिंग ले ली गई है। इंटरस्टेट नाका हमने अभी 25 लगाए हुए हैं, तो हम इंश्योर करेंगे जो दोनों साइड पे जो SHOs हैं वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करें, और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है जिस पे हमें एक्ट करना है हम जॉइंटली नाका सेटअप भी करेंगे और एक दूसरे की इमदाद भी करेंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया कि इंटेंशनली अगर कोई लापरवाही होती है तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, पर और ये जितनी भी मेरे द्वारा मीटिंग्स ली गई है उनको हमने नेसेसरी डायरेक्शंस दे दी गई हैं, तो कोई गलती करेगा और इंटेंशनली गलती करेगा तो जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होना वो हम लोग। देखिए स्नैचिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम क्राइम स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके हम सेलिंग प्लान बना रहे हैं। काला वाली डब वाली में स्नैचिंग्स हुई हैं, पर दो स्नैचिंग्स हमारी ट्रेस भी है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट 80% स्नैचिंग हमारी अभी वर्कआउट है। तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं स्नैचिंग के उनको एक एक बारी हम बुला लें थाने पर, उन पर निगरानी रखें, और जो हमारी स्पेशल यूनिट्स हैं जैसे CIA हो गया उनको डिप्यूट करेंगे कि जल्दी से जल्दी वर्कआउट करें इन केसेस को। देखिए CCTV बहुत हेल्प करता है पुलिस को क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मेरा मानना यह है कि हम जितनी ज़्यादा CCTV कवरेज हो पाए पूरे सिरसा की तो ये बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आजकल क्रिमिनल को भी पता है कि पुलिस साइबर सेल की इमदाद से CDR IMEI नंबर लेती है, तो CCTV का होना एक कहीं ना कहीं क्राइम प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी बात है। सिरसा में गैंगस्टर और बदमाश काफ़ी हैं, कालावली मुद्दे में काफ़ी जो है गैंगस्टर सबके सामने हैं। देखिए जो जेल के अंदर है उन पर हम निगरानी रखेंगे, जो जेल के बाहर है उनके अंदर भी, कोई अगर वारदात करता है तो तुरंत से तुरंत उसको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने कोई इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉपरेट करके उसको डिमोलिश करवाएंगे। बाकी ये भी जो कि हम देख लेते हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या कोई इनके वेब पेज को फॉलो नहीं कर रहा है, और उनके पेरेंट्स से और उनको हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो क्राइम है जिसका एंड जेल है। बाकी आप देखो कि हरियाणा में नीरज चोपड़ा जैसे रहे कि जो आपको अगर कुछ करना ही है आप ग्राउंड में पसीना बहाओ और देश का नाम और अब पूरे हरियाणा का नाम रोशन करो। एंटी नारकोटिक सेल में वो एक मामला आया था जिसमें एक युवक की मौत हुई थी पुलिस हिरासत में, पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी हत्या का मामला सर, लेकिन परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया और जो है जो मेन जो थे दाताराम उनको जीन ट्रांसफर कर दिया जबकि कार्रवाई वगैरह नहीं। देखिए ये मुकदमा मेरे आने से पहले का ट्रांसफर तो
मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, बाकी सस्पेंड है, लाइन में है। और रही बात कार्रवाई की, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है और जो पीएमआर रिपोर्ट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद और जो कॉज ऑफ डेथ आ जाएगा, जो भी एफएसएल में पलंदे गए हुए हैं डॉक्टर ओपिनियन लेने के बाद, हम वैसी कार्रवाई करेंगे। और अगर हमारा मुलाजिम की किसी की गलती होगी, हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। हत्या के अन्य मामलों में तुरंत पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, ये ट्रांसफर मात्र से मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पीएमआर रिपोर्ट में अगर कॉज ऑफ डेथ आ जाए और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अगर ये स्पष्ट हो जाएगा कि लाइव जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, जो ऑफेंस है, अगर हमारे मुलाजमों ने किया तो गिरफ्तारी होगी। सर, आप इसके चिट्ठे के और अफीम के डेली भाव देते हैं कि इस इलाकों का पकड़ा गया, क्या पैमाना है, क्या भाव चल रहा है अफीम का? मैं जो मार्केट में चल रहा है वही हमारे द्वारा दिया जाता है, बट आप मुझसे पूछोगे मुझे एग्जैक्टली क्या पता है उसके बारे में। भाव पकड़ा है, क्या भाव चल रहा है अफीम का, क्या चिट्ठे का? देखिए, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या भाव है क्या भाव नहीं है, मैं वेरीफाई कर लूँगा और आपको प्रेस नोट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिविल लाइन और सिटी सिरसा के अभी 6 हाउस बर्गलरी ट्रेस हुई है, उसमें करीब 13 लाख के करीब बरामदगी हुई है, वो अभी प्रोडक्शन वारंट में लेके आपको उसका डिटेल प्रेस नोट दे दिया जाएगा। अभी CIA सिरसा द्वारा एक मोटर बाइक गैंग पकड़ा गया है। तो देखिए, और मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूंगा कि पिछले साल से अगर हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, स्पेशली क्राइम थेफ्ट हाउस बर्गलरी, हमारा क्राइम भी कम है, हमारी वर्कआउट परसेंटेज भी ज़्यादा है और हमारी अरेस्ट भी बराबर है। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अब पीछे का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर काफ़ी NDPS की इलीगल प्रोसीड्स जिसने कमाई थी उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पिट NDPS में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है और प्रॉपर्टी अटैचमेंट में, इस पर हम कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करवाएंगे।